हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज देखिए, आज हम डोसा बनाने जा रहे हैं नाश्ते में। तो यहाँ पर देखिए, 100 ग्राम इसमें सूजी है, 100 ग्राम दही है और 100 ग्राम बेसन है और चावल का आटा पीसा हुआ है और 2 टमाटो है छोटा छोटा, आधा प्याज है, 4-5 हरी मिर्ची है, थोड़ी सी धनिया है और यहाँ पर देखिए 1 चम्मच हम सूखी मिर्ची ले लेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पत्ता गोभी है करस किया हुआ, उसको बारीक काट लेना है। कम से कम आधा घंटा के लिए छोड़ देना है। तो देखिए अच्छा डोसा बनेगा और पिज्जा टाइप से हम डोसा बनाएंगे। गर्म है, थोड़ा सा हल्का सा तेल डालेंगे, तेल को फैला लेना है। यहाँ पर से हम 2 चम्मच ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा साफ रहेगा, ढक्कन डाल के छोड़ देंगे। पर देखिए पलट लेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे यहाँ पर। तो बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 डोसा यहाँ बना है और 1 तीसरा डोसा है तवा में, इस तरह से बना लेना है। अच्छे से सेक लेना है जरा, इसको भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा काम कर देना है और आप अपनी फैमिली के हिसाब से बना लीजिए। और ये जैसे आपको बाद में खाना है तो गरम गरम बना के खा सकते हैं, ठंडा डोसा अच्छा नहीं लगता खाने में। तो ये चौथा वाला है। देखिए मैंने 5 डोसा बनाई हूँ और यहाँ पर देखिए अचार भी बन के तैयार है। तो आप सबको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। खुदा नहीं जाना।